नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, आपने अभी भी ज्वाइन किया है द ग्राफिकर। दोस्तों आज बात करेंगे फ्यूचर की, आने वाले वक्त में हम क्या क्या देखेंगे और इस दुनिया में क्या क्या होगा। दोस्तों 2020 चल रहा है, इसी साल सऊदी अरेबिया में बन रहे जिद्दा टावर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा एंड इसी के साथ वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी, क्योंकि वो फिलहाल सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से 180 मीटर ऊंचा है। दोस्तों जिद्दा टावर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। दोस्तों 2021 में नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च करेगा, जो हबल टेलीस्कोप का रिप्लेसमेंट होगा, जिससे हमें अंतरिक्ष के बारे में और भी सटीक जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों इसी साल इंडिया पहली बार इंसानों को स्पेस में भेजेगा, जो इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन होगा, जो इंडिया और इसरो के लिए बड़ी कामयाबी होगी। दोस्तों इसी साल 2021 में बिगेलो नाम की कंपनी पहली बार अंतरिक्ष में अपनी फर्स्ट स्पेस होटल ओपन करेगी। वैसे होटल हम जैसों के लिए बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इस होटल की 12 दिन की ट्रिप का खर्चा 66 करोड़ इंडियन रुपीज से भी ज्यादा होगा। 2022 आते आते इंडिया चाइना को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। इसी साल चाइना अपना पहला स्पेस स्टेशन का काम कंप्लीट कर देगा, जो चाइना के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों 2023 आते आते भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू हो जाएगी, जो सिर्फ 2 घंटे में आपको मुंबई से अहमदाबाद पहुंचा देगी। दोस्तों 2023 में नासा फिर से इंसानों को चंद्र की धरती पर भेजेगा। दोस्तों स्पेसएक्स नाम की कंपनी के प्लान के अनुसार वो 2024 में इंसानों को मंगल ग्रह की तरफ रवाना करेंगे, जो 2025 में मंगल ग्रह तक पहुंचेंगे, और इसी के साथ पहला इंसान मंगल ग्रह की धरती पर कदम रखेगा और वो मोस्ट प्रोबेबली एक फीमेल होंगी। दोस्तों 2025 में दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन को क्रॉस कर चुकी होगी, और तब तक शायद ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी जिससे हम वाईफाई से मोबाइल चार्जिंग कर सकेंगे। दोस्तों 2028 आते आते दिल्ली टोक्यो को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला सिटी बन जाएगा, और उसी साल इटली का एक सुंदर शहर वेनिस इंसानों के रहने के लायक नहीं बचेगा, क्योंकि 2028 तक वो डूब जाएगा। हालांकि वो पूरी तरह अंडर वाटर नहीं होगा, लेकिन सी लेवल इतना बढ़ जाएगा जिससे इंसानों का रहना नामुमकिन हो जाए। तो अगर आप वेनिस सिटी जाने की सोच रहे हैं तो जल्दी से घूम आइए। दोस्तों 2029 में 13 अप्रैल को एपोफिस नाम का एस्टेरॉयड पृथ्वी के बहुत नज़दीक से गुजरेगा। एपोफिस का डायमीटर 370 मीटर है, जिसकी पृथ्वी से टकराने की संभावना 2.7% है। 2030 आने तक समुद्र के 60% कोरल रीफ नष्ट होने की कगार पर होंगे, जिससे ओशन की इकोसिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव होगा। 2031 में थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक को ज़्यादातर खाली कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ समुद्री बाढ़ का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। दोस्तों 2035 आने तक ज़्यादातर देश क्रूड ऑयल से चलने वाले व्हीकल बैन कर देंगे और हम हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते देखेंगे। इसी के साथ तब तक ड्राइवरलेस और सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल आम बात हो जाएगी। एक तरफ टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही होगी और दूसरी तरफ 2035 तक अफ्रीका के शहरों की आबादी आज के मुकाबले आधी हो जाएगी, जो अफ्रीका की जैव विविधता के लिए भारी नुकसान होगा। दोस्तों 2037 के आने तक पृथ्वी के नॉर्थ पोल की आर्कटिक आइस पूरी तरह पिघल जाएगी। दोस्तों नासा के फ्यूचर प्लान के अनुसार 2040 में वो पृथ्वी से छोटे छोटे स्पेस क्राफ्ट 15% प्रकाश की गति से सूर्यमंडल के सबसे नज़दीकी तारे अल्फा सेंचुरी की तरफ भेजने की शुरुआत करेंगे। अल्फा सेंचुरी एक रेड ड्राफ्ट तारा है, जिसके हैबिटेबल जोन में उसका एक ग्रह प्रोक्सिमा सेंचुरी भी परिभ्रमण कर रहा है, जहाँ जीवन होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ये टाइनी स्पेस क्राफ्ट 2040 में अपनी यात्रा शुरू करेंगे और वो 20 साल बाद मतलब 2060 में अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम में पहुंचेंगे। वहां से जब वो मैसेज पृथ्वी की ओर सेंड करेंगे तो वो मैसेज आने में भी 5 साल यानी हमें 2065 में पता चलेगा कि भाई वो स्पेसक्राफ्ट ठीक से पहुंच गए हैं। दोस्तों 2042 तक यूएसए में गोरे लोग माइनॉरिटीज में आ जाएंगे, क्योंकि तब तक वहां एशियन अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन लोगों की आबादी यूरोपियन लोगों की तुलना में बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों उस समय जब दूसरे देश पॉपुलेशन बढ़ने की समस्या से जूझ रहे होंगे, तो दूसरी तरफ जापान और कुछ यूरोपियन देशों में आबादी घटेगी। जापान में 2046 आने तक 10 करोड़ लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि ये देश फिलहाल कम बर्थ रेट की समस्या से जूझ रहे है। जापान में भी बूढ़े लोगों की आबादी ज़्यादा है, जो 2046 आने तक नहीं रहेंगे, और जापान को ऐसी समस्या से जूझना होगा। 2049 आते आते मृत सागर पूरी तरह सूख जाएगा। दोस्तों 2050 स्टार्ट होगा, हम हाफ सेंचुरी क्रॉस कर चुके होंगे। आर्कटिक आइस के पूरी तरह पिघलने के कारण 70% ध्रुवीय भालू खत्म हो जाएंगे। इसी साल नाइजीरिया यूएसए को पछाड़कर तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। तब तक हम मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर देंगे, तब पृथ्वी से मंगल और मंगल से पृथ्वी की ट्रिप आम बात होगी।
दोस्तों 2055 आते आते पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे तब घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। 2060 आने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। तब तक इंसानों का काम एक वीक में 20 घंटे से भी घट जाएगा, क्योंकि तब सभी काम AI रोबोट करेंगे। 2060 तक ऑयल एज पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रिक एज शुरू हो चुका होगा। दोस्तों 2061 में हेले धूमकेतु पृथ्वी के एकदम नजदीक से गुजरेगा, जिसको हम बिना कोई दूरबीन अपनी खुली आंखों से देख सकेंगे। दोस्तों 2065 में 2040 में छोड़े गए छोटे स्पेसक्राफ्ट का मैसेज प्राप्त होगा, अगर वो सुरक्षित अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम में पहुंच गए होंगे। तब हमें एलियन लाइफ के बारे में नई जानकारी मिलेगी। दोस्तों 2070 आते आते इस्लाम सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा पॉपुलेशन के मामले में। तब पृथ्वी का हर 4 में से एक व्यक्ति मुस्लिम होगा। 2075 तक ओजोन लेयर पूरी तरह भर जाएगी, जिससे हम यूवी रेस से बचे रहेंगे। दोस्तों 2090 आते आते सी लेवल 2 मीटर तक बढ़ जाएगा, जिससे कई सारी सिटीज खतरे में होंगी। 2095 तक 83% अमेजोन रेन फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग और मनुष्य के कारण, जिससे सैकड़ों बर्ड स्पीसीज विलुप्त हो जाएगी। दोस्तों 2100 आने तक पॉपुलेशन बढ़कर 11.2 बिलियन हो जाएगी। इंसान पूरी तरह AI और रोबोटिक्स पर डिपेंडेंट होंगे। दुनिया की सभी सिटीज हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड होगी, जिससे हम कोई भी सिटी में 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। वेस्ट एंटार्क्टिका सबसे फास्ट ग्रो होगा, क्योंकि तब तक एंटार्क्टिका का आइस पिघल चुका होगा और वहां आबादी बढ़ेगी। इंसान प्लेनेटरी सिविलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। हम पृथ्वी जैसे कई सारे प्लैनेट्स हो चुके होंगे और शायद हमें एलियन लाइफ भी मिल जाए। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या यह सब सच में होगा? अपने सुझाव कमेंट कीजिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया पता चला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।